मैं राजस्थान के सभी फिजियोथेरेपिस्ट साथियों को नमस्कार करना चाहूँगा और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा सभी साथियों को कि उन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर आरंभ नाम से जो एक कंपेनिंग चला रखा है, फिजियोथेरेपिस्ट किस जगह काम आता है, उसकी क्या क्या फिजियोथेरेपिस्ट जो है हर बीमारी के अंदर जो फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत रहती है। लेकिन आज जो है पूरा देश जिस तरीके से कोविड-19 के अंदर गुजर रहा है, इस महामारी के लिए भी फिजियोथेरेपिस्ट एक बहुत ही अहम जो है इस कोविड-19 को कंट्रोल करने में अहम कड़ी साबित हुई है। आप सभी साथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जिस तरीके से कंपेनिंग चला रखा है, आपने स्पायरोमीटर के बारे में बताया कि कोविड जो पॉजिटिव जो पेशेंट है उनके सबसे ज़्यादा दिक्कत ऑक्सीजन की होती है, उसके ऑक्सीजन सेचुरेशन को बढ़ाने के लिए आपने जो कंपेनिंग स्पायरोमीटर का चला रखा है, स्पायरोमीटर यूज़ करने से उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ रहा है, उसमें हर तरीके से जो है बहुत ही एक फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा जिस तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर हमारे साथियों की जो मदद की जा रही है, घर घर मास्क की बात करो, चाहे घर घर स्पायरोमीटर की बात करो, चाहे आप अपनी सेवाएं जो है एक बहुत ही अच्छे कोविड वॉरियर्स के तहत जो आप दे रहे हो, ये बहुत आप धन्यवाद के पात्र हो। मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम जो बात कर रहे हैं, उसे हमें लगता है कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर भी, चाहे PHC हो, चाहे CHC हो, चाहे हमारे बड़े रेफरल जो हॉस्पिटल्स हो, उनमें सब में फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट होनी चाहिए। और सरकार से हम ये निवेदन करेंगे कि आने वाले समय के अंदर इस एक बहुत बड़ा वर्ग है और इस वर्ग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस मेडिकल लाइन के अंदर। उस जरूरत को समझते हुए, आम आदमी की भावनाओं को समझते हुए, आने वाले समय के अंदर राजस्थान सरकार से हम निवेदन कर और आने वाले समय के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट भी हमारे हर जो है मेडिकल संस्थाओं के अंदर जो होंगे, जिसे आम आदमी को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। मैं इन्हीं सपनों के साथ में दोबारा आरंभ के नाम से आपने जो कंपेनिंग चला रखा है, उसके लिए मैं आप सभी साथियों को जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो घर घर सेवाएं दे रहे हैं उनको बहुत ही धन्यवाद देते हुए सरकार से हम ये निवेदन भी करना चाहेंगे कि एक वॉरियर्स के तहत इनका मान सम्मान भी पूरे राजस्थान के अंदर सरकार के द्वारा होना चाहिए। तो मैं इसी निवेदन के साथ में मैं आप सबको दोबारा मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने जिस काम के लिए राह पकड़ी है, ये बहुत ही आम आदमी के हित की है और राजस्थान के अंदर आप लोग मिलजुल कर एक अच्छा काम कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।